हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास सिक्स के लिए है। और लास्ट वीडियो में पिनहोल कैमरा है, पिनहोल कैमरे का जो डायग्राम था उसके डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में उसके यूटिलाइजेशन लिखवाएंगे और आगे के टॉपिक्स भी राहुल सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ सिक्स क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम सेफ एट होम, घर पे रहें सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। यदि कोई डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वी चैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। नीट एंड क्लीन होमवर्क करें, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक है आप लोगों के पिनहोल कैमरा, ठीक है। ये चल रहा था, इसका डायग्राम राहुल सर ने बना दिया था। डायग्राम एक बार रिपीट करूं तो डायग्राम राहुल सर ने बताया था इस तरीके का, एक बॉक्स लिया था, ठीक है, और बॉक्स की बात की थी, ठीक है। और बात करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, बॉक्स की। तो इस तरीके से ये बॉक्स था, ठीक है, और ऐसे ही अंदर जो रिवर्सिबल एक ट्री बनाया था, ठीक है। जैसे यहां पर एक ट्री था, ठीक है, उस ट्री का दो रेज इस तरीके से पास हुई थी, ठीक है, पास होकर के इस तरीके को कुछ डायग्राम था, ठीक है, और यहाँ ऑब्जर्वर था, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम था, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो पिनहोल में से, मतलब उस पॉइंट में से पास आउट हो रही थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है, कि जो पिनहोल कैमरा था उस डायग्राम आपने लिखी बनाई लिया था। डायग्राम क्लियर होने के बाद आप लिखिएगा, ठीक है, डायग्राम के नीचे, वो डायग्राम आप लोगों ने बना लिया था, डायग्राम के नीचे स्टार लगा करके आप लिखिएगा। आपको क्या लिखना है, द वर्किंग ऑफ, ठीक है, लिखिएगा द वर्किंग, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा। मैं वो वर्किंग आप लोगों को बता रहा हूं, द वर्किंग ऑफ अ पिनहोल कैमरा, ठीक है, ऑफ अ पिनहोल, ठीक है, कैमरा, जो पिनहोल कैमरा है उस पिनहोल कैमरे की जो वर्किंग है, ठीक है, वो क्या करती है, इलस्ट्रेटेड, ILLUSTRATES, ठीक है, इलस्ट्रेट्स, ठीक है, द वर्किंग ऑफ अ पिनहोल कैमरा इलस्ट्रेट्स, ठीक है, ILLUSTRATES, इलस्ट्रेट्स, क्या इलस्ट्रेट्स करती है, द प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी, लिखेगा द प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट, क्या प्रॉपर्टी इलस्ट्रेट करी, दैट लाइट, LIGST, लाइट ट्रेवल्स, TRAVELS, ठीक है, क्या इलस्ट्रेट करी, द लाइट ट्रेवल्स, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन, फुल स्टॉप, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, द वर्किंग ऑफ अ पिनहोल कैमरा इलस्ट्रेट द प्रॉपर्टी डेट, क्या प्रॉपर्टी इलस्ट्रेट की, लाइट ट्रेवल, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां तक कंप्लीट होता है, इसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। फुल स्टॉप लगाने के बाद नेक्स्ट स्टार लगाइए आप, ठीक है, एक तो ये हो गया, नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अब इन्वर्टेड इमेज बनने के पीछे क्या रीजन है, एन इन्वर्टेड, INVERTED, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, इन्वर्टेड जो इमेज बन रही है, IMAGE, ठीक है, एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इज फॉर्म्ड, FORMED, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज जो बन रही है इज फॉर्म्ड, ठीक है, इन अ पिनहोल कैमरा, CAMERA, ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज जो बन रही है पिनहोल कैमरे में वो क्या होगा, बिकॉज, ठीक है, वो किस लिए बन रही है, बिकॉज एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इज फॉर्म्ड इन अ पिनहोल कैमरा, क्यों बन रही है वो इमेज, देखिएगा, बिकॉज द लाइट रे, आगे लिखिएगा द लाइट रे, RAYS, ठीक है, कमिंग, ठीक है, तो लाइट रे जो है वो कमिंग, COMING, कमिंग, ठीक है, कहां से आ रही है, फ्रॉम द टॉप, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, यानी कि ऊपर से, सबसे ऊपर से, फ्रॉम द टॉप एंड, देखिएगा क्या लिखा मैंने, द लाइट रे कमिंग, ठीक है, द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द टॉप, ठीक है, एंड और नीचे नीचे से आ रही है बॉटम, जैसे मैंने ये ट्री लिया था, ठीक है, लिया था ये, आप लोगों को भी बताया था, ठीक है, इस तरीके से ये ट्री लिया था हमने, ठीक है, तो एक लाइट रे तो यहां से आई थी इसके टॉप से, और एक लाइट रे यहां से आई थी, ठीक है, आई थी या नहीं आई थी, इसका टॉप हो गया, ये तो हो गया टॉप, ठीक है,
ऑब्जेक्ट का, और ये हो गया बॉटम। ठीक है, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, तो देख लीजिएगा, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बॉटम लिखिएगा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम से आती है। ठीक है, आगे लिखिएगा क्रॉस, CROSS, क्रॉस ओवर। ठीक है, क्रॉस ओवर का मतलब है जो रेज है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, और इंटरसेक्ट, INTERSECT इंटरसेक्ट बोलते हैं, यानी कि जैसे वो क्रॉस करना, जैसे एक ले लाइट रे आ गई, एक ये लाइट रे आ गई। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में गई, ये इस डायरेक्शन, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया है, यानी कि क्रॉस ओवर किया है। ठीक है, इस इन जब दो रेज आपस में क्रॉस करे उसे बोलेंगे क्रॉस ओवर, या उसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट करना। ठीक है, एट द पिन होल, और कहां पर किया है, एट द पिन होल। ठीक है, PINHOLE पिन होल पर वो इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, बॉक्स के अंदर आपको पता ही है डायग्राम में। ठीक है, जिस अब देखिए तो इससे क्या होगा, द इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, आगे लिखिएगा द इमेज। ठीक है, IMAG इमेज इज फॉर्म्ड, इससे क्या बनी है, इमेज बनी है। ठीक है, इससे क्या बनी है, द इमेज इज फॉर्म्ड, कहां पर फॉर्म्ड हुई है ये इमेज। ठीक है, इन अ पिन होल कैमरा। ठीक है, इन अ पिन होल कैमरा, CAMERA। ठीक है, जिससे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन कहां पर हुआ है, इन अ पिन होल कैमरा। ठीक है, और कैसी है, ठीक है, इज रियल, कैसी है ये, रियल। तो इमेज इज फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा इज रियल है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, स्क्रीन पर मिली है। रियल क्या होती है, जो स्क्रीन पर मिले वो रियल इमेज, और जो स्क्रीन पर ना मिले वो वर्चुअल इमेज। ठीक है, बिकॉज इट कैन बी, आगे लिखिएगा रियल क्यों है, बिकॉज इट कैन बी। ठीक है, इट कैन बी, आगे क्या लिखे, बिकॉज इट कैन बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन, RECEIVED रिसीव्ड ON स्क्रीन, SCRWN, क्योंकि ये स्क्रीन पर मिली है। आगे लिखिएगा पिनहोल कैमरा कैसे करता है, तो नीचे थर्ड स्टार लगाइए। ठीक है, आ पिनहोल कैमरा, ठीक है, आ पिनहोल कैमरा, ठीक है, लिखिएगा थर्ड पॉइंट में, आ पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा क्या करता है, फॉर्म्स बनाता है, FORMS बनाता है, कैसी बनाएगा, रियल बनाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, किसकी बनाएगा, ऑब्जेक्ट की बनाएगा, किस पर बनाएगा, स्क्रीन पर बनाएगा। पिनहोल कैमरा रियल बनाएगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाएगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा जैसे मार्कर है तो इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा और रियल इमेज बनाएगा, वो रियल इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। रियल मतलब जो दिखे, कब दिखेगी, जब हमें स्क्रीन पर मिलेगी, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनाता है। ठीक है, तो आप पिनहोल कैमरा फॉर्म्स कैसी बनाता है, फॉर्म्स आ रियल। ठीक है, एंड आगे लिखेगा इन्वर्टेड, ठीक है, कैसी बनाता है, रियल एंड कैसी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की कैसी बनाता है, रियल बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, चले आगे, अब आपको कुछ बताने जा रहा हूं, मैं क्या बताने जा रहा हूं, देखिएगा मैं ऊपर से रफ कर देता हूं। ठीक है, अब हेडिंग आप लोगों के हेडिंग चेंज होने वाली है। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग अब आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे राहुल सर, जो कि पिनहोल कैमरे में जो इमेज बनती है वो इमेज के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा द इमेज, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से द इमेज, ठीक है, इन अ पिन होल कैमरा, इन अ पिन होल कैमरा, CAMERA द इमेज इन अ पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरे के अंदर जो इमेज है, हैज द फॉलोइंग, FOLLOWING फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTICS, ठीक है, कि जो इमेज पिनहोल कैमरे के अंदर बनेगी, इस हेडिंग का मतलब है द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा। ठीक है, द इमेज, जो इमेज बन रही है पिनहोल कैमरे के अंदर, हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या गुणधर्म होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट ABCD करके,
ये पॉइंट लिखिएगा, सुन लीजिए पहले, तो वो इमेज जो पिनहोल कैमरे में बन रही है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, किसके कंपेरिजन में, ऑब्जेक्ट के में, इन्वर्टेड मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज, आगे समझ में, कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, ठीक है, इन्वर्टेड हो गई, सेम कलर की होगी, ठीक है, तो कलर सेम, ठीक है, साइज सेम, ठीक है, रियलिटी सेम, ठीक है, तो रियल होगी, ठीक है, इन्वर्टेड हो गई, ठीक है, सेम साइज की हो गई, कलर हो गया, और क्या क्या चाहिए, ठीक है, और जो स्मॉल मतलब पिनहोल कैमरे जितने स्मॉल ऑब्जेक्ट है उतनी वो इक्वल बनेगी, मतलब अगर वो छोटा है ऑब्जेक्ट इतना सा है तो वो ही इमेज इतनी सी बनेगी, आया समझ में, तो सेम फीचर्स है, तो अच्छा है कि पिनहोल कैमरे से बनने वाली इमेज सेम ही शो करती है, ठीक है, तो इसमें लिखेगा द इमेज, पॉइंट लिखे फर्स्ट, द इमेज, ठीक है, इन अ पिनहोल कैमरा, ठीक है, तो क्या लिखा, द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरे के अंदर जो इमेज है, ठीक है, एज क्या है, इन्वर्टेड, आई एन वी ई आर टी डी, इन्वर्टेड का मतलब लिख लें आप उल्टा, ठीक है, नहीं पता तो, एज इन्वर्टेड, ठीक है, या इसे बोल सकते हैं अपसाइड डाउन, ठीक है, यानी कि उसी तरीके से उल्टा हो जाना, इन्वर्टेड का मतलब जस्ट उल्टा है, अपसाइड डाउन, ठीक है, आगे लिखें एज कंपेयर्ड, सी ओ एम पी ए आर ई डी, कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का आप देखो तो, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरे के अंदर बनने वाली इमेज इन्वर्टेड होगी, अपसाइड डाउन एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट तो ये कंप्लीट होता है, बी पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है, आगे लिखिएगा द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा, वही सेम द इमेज, ठीक है, इन अ पिनहोल कैमरा, यहां तक तो सेम था कि पिनहोल कैमरे में बनने वाली जो इमेज है क्या होगी, इज सबसे अच्छा पॉइंट रियल, ठीक है, वास्तविक होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये स्क्रीन पर मिल जाती है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दें, क्यों होगी, बिकॉज इट, ठीक है, कैन बी ऑब्टेंड, ओ बी टी ए आई एन ई, ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, फुल स्टॉप, क्योंकि इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है, इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, इसलिए क्या होगी, द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा इज रियल बिकॉज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, चलें आगे की तरफ, सी पॉइंट की तरफ, ठीक है, द इमेज, ठीक है, लिखेगा आगे द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा, ये जो मैं कैरेक्टर्स आपको लिखवा रहा हूं ना, ये पिनहोल कैमरे से बनने वाली इमेज है, यानी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको डायग्राम बताया था, ठीक है, ये ट्री का डायग्राम आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि ये बॉक्स था और ये बॉक्स में पीछे की तरफ ये स्क्रीन थी, थी या नहीं, और उसमें मैंने ये आप लोगों के ये इमेज बन रही थी, ठीक है, और ये ही सेम है, ठीक है, यानी कि इसकी रिवर्सिबल इमेज इस तरीके से बन रही थी, क्लियर है, इसकी रिवर्सिबल इमेज, तो ये जो कैरेक्टर्स लिखवा रहे हैं राहुल सर, ये इस बनने वाली इमेज के हैं, ये जो ऊपर कैरेक्टर्स लिख रहे हो आप, ये बनने वाली इमेज के हैं, ठीक है, आया समझ में, चलो जी, जो कि पिनहोल कैमरे में बन रही है, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखवाया द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा, ठीक है, एज आगे लिखा एज ऑफ, ठीक है, ऑफ द क्या लिखवाया, एज ऑफ, ठीक है, एज ऑफ द सेम सेम कलर, सी ओ एल ओ यू आर, ठीक है, सेम कलर की होगी, ठीक है, आगे चले, कैसा कलर, एज द ऑब्जेक्ट, जैसा कि ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज द ऑब्जेक्ट, तो द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट, और लास्ट पॉइंट लिखिएगा द इमेज, ठीक है, इन अ पिनहोल कैमरा, ठीक है, कि जो इमेज है पिनहोल कैमरे के अंदर, ठीक है, बनने वाली इमेज है, कैन बी स्मॉलर, ठीक है, कैन बी स्मॉलर, छोटी भी हो सकती है, कैन बी स्मॉलर, ठीक है,
देन, ठीक है, जरूरी है बड़ी हो, कैन बी स्मॉलर, छोटी भी हो सकती है, देन किसके कंपेरिजन में, ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट, कॉमा लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद लिखिएगा, या फिर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या लिखवाया, द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा कैन बी स्मॉलर, स्मॉल हो सकती है, देन द ऑब्जेक्ट या इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकती है, और तीसरा पॉइंट बिगर, बड़ी भी हो सकती है, बिगर देन द, ठीक है, देखो स्मॉलर ऑब्जेक्ट से स्मॉल हो सकती है, इक्वल हो सकती है, बिगर, आगे लिखिए बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिखिएगा बिगर, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है, क्लियर है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये आप लोगों के हो गए सारे पॉइंट, ठीक है, नीचे नोट डाल करके लिख दीजिएगा, नोट डाल करके लिख दीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, नोट डाल करके आप लिख दीजिए, द पिनहोल कैमरा, इसमें लिख दीजिएगा द पिनहोल, ठीक है, यहां के बाद दो लाइन का गैप दे दीजिएगा, ये चार पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट जो था, द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा इज इन्वर्टेड, ठीक है, आगे लिखवाया राहुल सर ने ब्रैकेट में अपसाइड, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखवाया है बी पॉइंट, द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा इज रियल, बिकॉज क्यों है रियल, क्योंकि स्क्रीन पर इसे ऑब्टेन किया जा सकता है। सी पॉइंट में लिखवाया है कि सेम कलर की होगी, ऑब्जेक्ट का जो कलर है उसी तरीके की इमेज बनेगी। डी पॉइंट में लिखवाया कि पिनहोल कैमरे में बनने वाली जो इमेज है वो स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से, या इक्वल हो सकती है, स्मॉलर हो सकती है, इक्वल हो सकती है, और बिगर भी हो सकती है। अब आपको नीचे नोट लिखवा रहे हैं, नोट लिखिएगा, द पिनहोल कैमरा इज अ, द पिनहोल कैमरा, ठीक है, कैमरा इज अ सिंपल, एस इज अ, ठीक है, सिंपल डिवाइस, ठीक है, क्या लिखवा है, द पिनहोल कैमरा इज अ सिंपल डिवाइस, एक सिंपल डिवाइस है, टू सी, ठीक है, टू सी द इमेज ऑफ, ठीक है, टू सी द इमेज ऑफ, इमेज देखने के लिए, ऑफ वेरियस, वी ए आर आई ओ यू एस, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि पिनहोल कैमरा एक सिंपल डिवाइस है, क्या देखने के लिए, इमेज देखने के लिए, वेरियस ऑब्जेक्ट की, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उन इमेज को देखने के लिए पिनहोल कैमरा बहुत सही रहता है और एक सिंपल डिवाइस है, ठीक है, और इसका यूज, ठीक है, आगे लिखिएगा इट इज यूज, ठीक है, इसका यूज क्या होता है, लिखिएगा इट इज यूज, ठीक है, या इट कैन बी यूज लिखे आप, लिखे इट कैन बी यूज, इट कैन बी यूज, ठीक है, कहां पर करते हैं, टू टेक द फोटोग्राफ, ठीक है, टू टेक, इट कैन बी यूज टू टेक, ठीक है, द फोटोग्राफ, पी एच ओ टी ओ जी आर ए पी एच, फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफी में भी इसका यूज करता है, ठीक है, यूज किया जाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी लेने के लिए, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आगे भी देखिए ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी, इफ आगे लिखिएगा इफ, ठीक है, आ फोटोग्राफ, इफ आ फोटोग्राफ, जी आर ए पी एस, ठीक है, क्या लिखा, इफ आ फोटोग्राफिक फिल्म, इफ आ फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, आगे लिखिएगा इज प्लेस्ड, इज प्लेस, पी एल ए सी डी, प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, क्लियर है, फुल स्टॉप। तो मैंने लिखवाया पिनहोल कैमरा इज अ सिंपल डिवाइस टू सी द इमेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप के बाद लिखवाया इट कैन बी यूज्ड टू टेक, इसका यूज करते हैं द फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ लेने के लिए, इफ अ फोटोग्राफिक फिल्म इज प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन, जब फोटोग्राफिक फिल्म को स्क्रीन पर दिखाना होता है, ठीक है, चले आगे, ठीक है, ये हो गया आपके पिनहोल कैमरा, ठीक है, खत्म होता है, आगे चलेंगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, क्लियर होता है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना जो होता है, एक तो था ये हम आर्टिफिशियल, अब आते हैं नेचुरल फिनोमिना की तरफ, ठीक है, अ नेचुरल फिनोमिना कैमरा, हेडिंग डालिए आ, ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग आ, ठीक है,
नेचुरल NATURL नेचुरल, ठीक है। पिनहोल, जो पिनहोल कैमरा था पहले आर्टिफिशियल था, ठीक है, अब नेचुरल वाला पिनहोल कैमरा, ठीक है, पिनहोल कैमरा CAMER, ठीक है। चलते हैं, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नेचुरल पिनहोल कैमरा क्या होता है, कि ये जब पिनहोल कैमरे का जो इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट हम एवरीडे लाइफ में हमारे प्रत्येक जो लाइफ का डे है उसमें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ज्यादा गर्मी होने पर आपने कभी सुना है, हम जब ज्यादा गर्मी होती है कभी एक पेड़ के नीचे से निकलते हैं तो हमें क्या है, बहुत सारी पत्तियां बड़ी सी नजर आती हैं। मतलब जैसे किसी पेड़ के नीचे से हम लोग निकलेंगे, ठीक है, ये गर्मियों में हम लोग यहां से पास हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहां से पास हो रहे हैं इस रास्ते से, ठीक है, ये पास हो गए और हम यहां चल करके यहां आ गए, ठीक है, आ गए, ठीक है। तो हमें इस जो पेड़ है इसकी पत्तियां इतनी लार्ज नजर आती है, ठीक है, इस तरीके से लार्ज हमें इसकी पत्तियां नजर आएगी, ठीक है, इस तरीके से इसकी लार्ज पत्तियां नजर आती है। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन बैठा है? सन। तो सनी डे, कैसा डे है? सनी डे, यानी कि ज्यादा बड़ी गर्मियों में, ठीक है, तो हमें इसकी पत्तियां बड़ी नजर आती है। तो ये हम कुछ नेचुरल फिनोमेना देखते हैं, ठीक है, एवरीडे लाइफ में, और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, द पिनहोल कैमरा इफेक्ट्स, लिख सकते हैं द पिनहोल कैमरा CAMER पिनहोल कैमरा इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट्स, ठीक है, EFFECTS इफेक्ट्स, ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व OBSERVED इन, ठीक है, किसमें करते हैं? एवरीडे लाइफ, ठीक है, एवरीडे लाइफ, ठीक है, फुल स्टॉप। तो एवरीडे लाइफ में हम कैमरे का जो इफेक्ट है वो ऑब्जर्व करते हैं, तो द पिनहोल कैमरा इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। तो यानी कि पेड़ के नीचे से जब हम गर्मियों में निकलते हैं तो हमें उसे पेड़ की पत्तियां बड़ी बड़ी नजर आती हैं, ठीक है, इस तरीके से हमें पत्तियां, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां नजर आती है, ठीक है। वो क्यों नजर आती है? क्योंकि वो नेचुरल पिनहोल कैमरे की वजह से। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, ठीक है, नेचुरल पिनहोल कैमरे की। उसके बाद आपका टॉपिक रहेगा शैडो, क्या टॉपिक रहेगा? SHADOW शैडो, शैडो पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आपके रहेगा रिफ्लेक्शन, क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन। फिर रहेगा आपके मिरर। तो ऐसे कंटिन्यू करते टॉपिक हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट हो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।